हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और अभी सुबह का समय हो रहा है और मैं आज पोहे का, बहुत जगह इसे पोहा बोला जाता है और बहुत जगह इसे चूड़ा बोला जाता है, तो उसी का मैं नमकीन बना रही हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई में कम से कम आधा कप के लगभग जो है वो रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। जब वो गर्म हो गया है तो मैंने ये एक पाव से थोड़ा कम मूंगफली का दाना जो है उसे अब भून लेती हूँ। पूरा इसे फ्राई नहीं करूँगी, हल्का ही फ्राई करूँगी, थोड़ा अभी कच्चापन रह जाएगा। तभी इसमें मैंने हल्दी पाउडर और जो कलर वाला लाल मिर्च आता है, कश्मीरी लाल मिर्च, मैंने वो डाल के सिर्फ 2 सेकेंड इसे हिलाया है। और ये आधा किलो चूड़ा है, इस सारे चूड़े को मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और मिलाती जाऊंगी। अगर मैं एक साथ ही सारा चूड़ा डाल दूंगी तो ये बहुत बहुत दिक्कत होगा और बहुत समय लगेगा मिक्स करने में, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा चूड़ा डालकर और मिलाती थोड़ा डालती गई और मिलाती गई। और अभी देखिए, जो हल्दी पाउडर और जो लाल मिर्च का पाउडर था वो पूरे चूड़े पे बहुत अच्छी तरीके से कोट हो गया है। और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। वैसे तो मैं इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी क्योंकि मैं इसमें नमकीन भी ऐड करूँगी, तो नमकीन में भी तो नमक होगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ही नमक डाला है। और इसे लो फ्लेम पे भून लूँगी जब तक कि ये चूड़ा करारा ना हो जाए। और अभी भून गई है तो मैं इसे निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में कि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें नमकीन ऐड कर दूँगी। और इसीलिए मैंने कढ़ाई से इसे बाहर निकाल लिया और मैं फैला दूँगी कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने स्किन का केयर कैसे करती हूँ, मैं कब अपने स्किन पे ब्लीच अप्लाई करती हूँ, मतलब ब्लीच लगाती हूँ, और कब मसाज करती हूँ, कितने कितने दिनों पे मैं करती हूँ, गर्मी में कैसे करती हूँ और ठंडी में मैं कब कब करती हूँ। तो आगे बनी रहिएगा प्लीज़ फ्रेंड, और आप उसे भी वॉच करिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये चूड़ा जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। और अब मैं इसमें नमकीन डाल दूँगी क्योंकि अगर ये गर्म होता उस समय मैं नमकीन डालती तो जो नमकीन है वो सारे जो हैं वो बिल्कुल करारे नहीं रह जाते, इसलिए मैंने ठंडा होने का इंतज़ार किया, उसके बाद ही मैं इसमें नमकीन ऐड कर दी हूँ। और अभी मैं इन सभी को अच्छी तरीके से मिलाकर और एक डब्बे में मैं भर के रख दूँगी। और बच्चों को ये नमकीन जो है चूड़े वाला बहुत अच्छा लगता है, वो चाय के साथ लेके ऐसे भी वो ले करके हल्की फुल्की भूख लगती है तो वो खा लेते हैं। और आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो अपने फैमिली मेम्बर में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो नमकीन था उसे इस डब्बे में रख लिया है। फ्रेंड्स, मैं अब आपके साथ अपना स्किन केयरिंग शेयर करूंगी कि मैं अपने स्किन पे अपने स्किन की कैसे केयर करती हूँ और कौन सा ब्लीच यूज़ करती हूँ। मुझे कमेंट में किसी ने कहा था, पूछा था कि मतलब मैं कौन सा ब्लीच यूज़ करती हूँ, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं ओलिविया हर्बल ब्लीच इस्तेमाल करती हूँ। जी वाली ब्लीच फ्रेंड्स, मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ब्लीच है ये बिल्कुल हर्बल ब्लीच है और इसे हम जो सेंसिटिव स्किन वाली होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो ओवर सेंसिटिव स्किन होती है वो लोग बिल्कुल इस्तेमाल इस ब्लीच को मत करें। और इसमें हल्दी, चंदन, एलोवेरा, नींबू, ये सब इसमें मिक्स है। तो ये बहुत पुरानी कंपनी भी है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैं इसे बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, 5-6 साल से तो इस्तेमाल कर ही रही हूँ इसको, और ये बहुत ही अच्छा है, मेरे स्किन को ये सूट भी करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी MRP जो है, ये बड़ा पैक है तो ये 45 रुपीज़ का मिला है। ये देखिए फ्रेंड्स, और हम यहीं से चेक कर सकते हैं कि कब ये बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है। तो आप जब भी इसे परचेज करें तो एक्सपायरी डेट ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम अपने स्किन पे इसे अप्लाई करेंगे। ये जो ब्लीच है फ्रेंड्स, ये हर्बल ब्लीच है, इसे बहुत इजीली, और मैं अभी आपको इसे इस्तेमाल करके दिखाऊँगी कि मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तो जब मैं इस पैक को ओपन करती हूँ फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए,
मैंने जब इसे ओपन किया है तो इसमें दो बॉक्स हैं। ये जो पहला बॉक्स है इसके अंदर एक क्रीम होती है जिसके अंदर हमें एक्टिवेटर ऐड करना होता है, और ये कितने ग्राम की है मैं आपको बताती हूँ। ये 13 ग्राम की है, इसमें क्रीम जो है वो 13 ग्राम की है। और इसके साथ ये देखिए फ्रेंड्स, एक हमें एक्टिवेटर भी मिल जाता है, ये देखिए। और जो एक्टिवेटर है वो ये 2 ग्राम का है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा था। 2 ग्राम का एक्टिवेटर है। और इसमें ये एक स्पेचुला मिल जाता है, इससे हम जो क्रीम जो है उसे मिक्स करते हैं और स्किन पे इसी से अप्लाई करते हैं। और हमें इसमें एक कई तरह के लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, ये हमारे हेल्प के लिए होता है कि हम इस ब्लीच को किस तरह से इस्तेमाल करें। और पूरा इसमें लिखा हुआ होता है किस तरीके से हमें ब्लीच को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इसे भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप ये जान सकते हैं कि ब्लीच का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और कितने मिनट तक हमें ब्लीच को अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। और ये कई तरह की भाषाओं में लिखा होता है, बहुत ईजिली आप इसे रीड कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ब्लीच में मैं कितना क्रीम लेती हूँ अपने फेस के लिए और कितना मैं इसमें एक्टिवेटर ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैं ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और कैप है, तो जब मैं इस कैप को निकालती हूँ तो इसके अंदर देखिए ये है क्रीम, बिल्कुल हर्बल क्रीम है ये। और मैं 2 चम्मच मैंने लिया है इसमें क्रीम, अब मैं फेस पे और अपने नेक पे इसे अप्लाई करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना ही लिया है और बाकी इस डब्बे में देखिए अभी इतना बचा, अभी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 2 टाइम और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक्टिवेटर लेती हूँ, एक्टिवेटर किस तरीके से हमें नापना चाहिए मैं वो आपको बताती हूँ। इसका कैप बहुत ही टाइट होता है, बहुत सावधानी से खोलिएगा आप। इसमें भी देखिए एक अंदर लिड लगी हुई है सेफ्टी के लिए, और इसी में मैं ओपन कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक्टिवेटर ये देखिए, और इसे मैं इस तरह से लेती हूँ। पहले मैं इसे हथेली पे रख लेती हूँ और मैं इस चुटकी की हेल्प से, मैं एक चुटकी इस तरह से, मैं इसमें क्रीम में 2 चुटकी जो है, 2 चुटकी ही हमें लेना है, 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं। और जो बाकी है मैं उसे इस डब्बे में डाल देती हूँ और फिर इसे टाइटली पैक करके मैं रख दूँगी, नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। और फ्रेंड्स, फिर इसे हमें अच्छी तरीके से मिला देना है क्रीम को, क्रीम और एक्टिवेटर को बहुत अच्छी तरीके से कम 2 मिनट आप इसे ऐसे ही मिक्स करती रहिए, कम से कम 2 मिनट। अब मैं इसे मिक्स कर दी, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बन गया है। अपने फेस को वाश कर लिया है, आप किसी भी सोप से या किसी भी फेस वाश से अपने फेस को वाश करके अच्छी तरीके से उसे सुखा लीजिएगा। फिर मैंने बाल का जूड़ा बना लिया है कुछ इस तरीके से, और मैं हेयर बैंड लगा लूँगी कि जो भी बाल जो है वो फेस पे ना आए, इसलिए मैंने हेयर बैंड लगा लिया कि सारे बाल यहाँ पे बधे रहेंगे और हमारे फेस पे नहीं आएंगे। और अब मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं सबसे पहले अपने अपर लिप से इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने 15 मिनट के बाद जो है ब्लीच को हटा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जॉय का जो है वो स्किन फ्रूट्स मसाजिंग स्किन क्रीम है विथ जोजोबा एंड आमंड ऑयल्स, ये 200 ml का है। और ये जब मैं ब्लीच कर लेती हूँ तो मैं इसी स्किन फ्रूट मसाज क्रीम से मसाज करती हूँ अपने स्किन का, इसी क्रीम से। आप इसे मॉइस्चराइजर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और विंटर में तो मैं लगभग हफ्ते में 3 बार मसाज इससे कर लेती हूँ, पर समर सीजन में मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, 15 दिन में 1 बार करती हूँ, क्योंकि ये ऑयली है, जो ये इसके अंदर क्रीम है वो बिल्कुल ऑयली है, बिल्कुल मॉइस्चराइजर क्रीम के जैसा ये काम करता है, तो इसलिए मैं इसको समर में कम यूज़ करती हूँ और विंटर में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और रेनी डे में भी मैं इसे कम ही इस्तेमाल करती हूँ। और आप इसे चाहे तो मॉइस्चराइजर क्रीम के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये,
और जैसे ऑयली स्किन हो गया तो वो विंटर में इस्तेमाल करें पर समर में वो इस्तेमाल ना करें। तो मैं इस क्रीम से मसाज कर लेती हूँ और इसी क्रीम से मैं मसाज करती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको इसका बिल्कुल मखमली। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल ऑयली है ये। इसे लगाने के बाद से पूरे फेस पे बिल्कुल ऑयल के जैसा दिखता है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी स्किन जो है वो ड्राई है तो मैं इसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं जब भी ब्लीच करती हूँ तो इसी से अपने स्किन का जो है मसाज भी कर लेती हूँ। मैं और दूसरा कोई मसाज क्रीम इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मैंने इतना लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए, और इसे मैं अप्लाई कर देती हूँ अपने फेस पर। फ्रेंड्स ये मुल्तानी मिट्टी है और इसमें और कुछ भी ऐड नहीं है, सिर्फ ये मुल्तानी मिट्टी है। और मैंने इस मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल डालकर पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएंगे, मुल्तानी मिट्टी जो है पूरे फेस की जो है वो ड्राई हो जाएगी, फिर मैं फेस वॉश कर लूँगी अपना। मसाज भी मैंने सिर्फ 10 मिनट किया था, आप चाहे तो ज़्यादा टाइम कर सकते हैं पर मैं 10 मिनट ही करती हूँ, काफ़ी है इतना हर 15 दिन। ये देखिए फ्रेंड्स, स्किन कितनी ग्लोइंग हो रही है और कितना चमक हो गया है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ब्लीच के बाद मेरा स्किन कैसा लग रहा था। और मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है, ये देखिए। मैंने डिनर भी कर लिया है और अभी टीवी देख रही हूँ, आधे एक घंटा टीवी देखूँगी फिर मैं सो जाऊँगी। और गर्मी तो काफ़ी लगी रही है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। और मेरे इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। और बच्चे सो गए हैं, रुपेश बाहर वाले रूम में सो गया है, छवि अभी जगी है और हम दोनों टीवी देख रहे हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मैंने डिनर भी कर लिया है, फेस पे ब्लीच करने के बाद मैंने डिनर किया था, पहले मैंने डिनर नहीं किया था। हम जो हाउसवाइफ होते हैं हम काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी स्किन का केयरिंग करना ही भूल जाते हैं बिल्कुल। बस ये दिखता है कि हाँ काम है, पर हमें अपने स्किन का भी उतना ही केयर करना चाहिए क्योंकि हम जब स्किन का केयर करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग होगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना स्किन, क्योंकि ये बहुत ग्लो कर रहा है। तो हमें समय समय पे अपने स्किन का जो है मसाज ज़रूर करना चाहिए। ब्लीच तो महीने में एक बार भी आप कर सकते हैं चल जाएगा, पर मसाज हमें हर 15 दिन पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, इससे कि स्किन हमारी टाइट भी हो जाती है, ब्राइटनिंग भी हो जाती है और लाइटनिंग भी हो जाती है। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था फ्रेंड्स, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।